दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में शेफोलेक एंड्रॉइड एमजी सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम काम आती है, किस तरह से यूज की जाती है, डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा, देखिए शेफोलेक 100 mg सिरप एक ब्रांड नेम है मेगलोर्स कंपनी का। मेगलोर्स कंपनी बनाती है, हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल जाती है, तो ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता है। दोस्तों इसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी बच्चों के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 1 साल से लेके 3 से 4 साल तक के बच्चों में, तो सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें में कहां दी जाती है, तो इसके अंदर आता है सिफेक्सिम 100 मिलेगा। सिफेक्सिम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में दिया जाता है, बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम में दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे को न्यूमोनिया हो जाए तो वहां ये दी जाती है न्यूमोनिया से होने वाली प्रॉब्लम में। फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में कफ जमता है, गीली खांसी आती है, तो वहां दी जाती है। गले में इन्फेक्शन है, जुखाम है, गले में सोर थ्रोट है, नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, तो वहां पर भी काम में ली जाती है, काम करती है। इसके साथ साथ दोस्तों बच्चे को वायरल है, बुखार है, नाक से पानी आ रहा है, तो वहां पर भी दी जाती है, बुखार की प्रॉब्लम भी देते हैं। ENT स्पेशलिस्ट गले के साथ साथ दोस्तों आंख में होने वाले इन्फेक्शन में, कान में होने वाले इन्फेक्शन में भी दे सकते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट ही स्किन इन्फेक्शन में देते हैं, और भी कई सारी प्रॉब्लम में काम आती है। बात करें भाई मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर सिफेक्सिम आता है 100 mg जो कि एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया किलर है, बैक्टीरिया खत्म करता है, साथ ही साथ ये उन प्रोटीन्स को बनने से रोकता है जिन प्रोटीन को खाकर बैक्टीरिया जीवित रहते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिससे कि वो सारे सारे एक साथ ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी खुराक होती है जो कि मिलनी बंद हो जाती है। जाने डोज के बारे में, तो जो डोज होती है कैलकुलेटेड डोज होती है, बच्चे के कौन से ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसकी उम्र क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, ये सब कुछ देख के डॉक्टर ही बताते हैं। अगर नॉर्मल डोज की बात करूं तो कोई बच्चा अगर 1 साल से लेकर 2 साल तक का है तो वो 100 mg की सिरप 2.5 ml 2 बार ले सकता है। 2 साल से बड़ा बच्चा है 5 ml दिन में 2 बार ले सकता है खाने के बाद। जाने साइड इफेक्ट के बारे में, तो एलोपैथिक मेडिसिन है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट कर सकती है, जैसे कि बच्चे को नींद आने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है वोमिटिंग हो जाए, उल्टी वगैरह, दस्त लगना, डायरिया, लेकिन ये हर किसी बच्चे में नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं, सावधानी यही है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। लेने के बाद अगर कोई स्किन एलर्जी, कोई स्किन साइड इफेक्ट, कोई रेशेज वगैरह होते हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर बताइएगा, अगर किसी बच्चे को होते हैं तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी सुनिए लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।